MIUI 12.5 आप किस तरीके से अपने Redmi, MI और Poco के डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो विदाउट अपने फ़ोन को रूट किए हुए, TWRP डाले हुए और बूटलोडर अनलॉक किए हुए। इससे रिलेटेड पूरी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स अपने फ़ोन को रूट करना, TWRP फ्लैश करना या फ़ोन के साथ कोई भी छेड़खानी करना पसंद नहीं करते हैं, या फिर बहुत सारे यूजर्स चाहते भी हैं बट उनके पास कंप्यूटर वगैरह नहीं होता है तो बूटलोडर अनलॉक नहीं कर पाते हैं। और आप सभी को पता है कि MIUI 12.5 अभी फिलहाल चाइना में ही लॉन्च हुआ है और इंडिया में लॉन्च होने और हर एक डिवाइस को अपडेट मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन आज के वीडियो का आप पूरा वॉच करते हो तो आप अपने Redmi, MI या Poco के डिवाइस के अंदर 12.5 को इंस्टॉल कर पाओगे और उसके सारे फीचर्स का बेनिफिट ले पाओगे। बस आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे भाई। हम भी जल्दी 50K क्रॉस करने वाले हैं तो आप लोगों का एक सपोर्ट, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारी बहुत हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आप टेलीग्राम यूजर्स हो तो यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, यहाँ पे मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करता रहता हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगा, तो आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से 12.5 के फीचर्स हैं जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर और बेनिफिट ले सकते हैं 12.5 का। अगर आप 12.5 इंस्टॉल करना चाहते हो अपने Redmi, MI और Poco के डिवाइसेज के अंदर तो यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन है कि आपका फ़ोन का जो डिवाइस है वो Android 10 पे रन करते हुए होना चाहिए। अगर इससे कोई लोअर है Android 9, 7 वगैरह तो उनमें कई सारे फीचर्स को आप यूज नहीं कर पाओगे और इसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो आप पहले चेक कर लो कि आपके अबाउट में Android 10 नज़र आ रहा है या नहीं। और आप देख सकते हो मेरे पास है Redmi का Note 7s, जिसे Note 7 भी कहते हैं, जिसका लेटेस्ट अपडेट रन कर रहा है 12 का 12.0.1 और इसके ऊपर मैं MIUI 12 के सारे बेनिफिट अभी ले पा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो सिस्टम नेव बार जो कि लेटेस्ट हमें 12.5 में प्रोवाइड किया गया है, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे नेविगेशन की को इनेबल कर सकता हूँ जो कि एंड्रॉयड 10 का जेस्चर वगैरह है, ये अच्छे तरीके से काम करता है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आए की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन का आइकन, साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वर्कआउट वगैरह और हेल्थ का, हार्ट रेट मॉनिटर वगैरह। साथ साथ यहाँ पे आते हैं तो सारे सुपर लाइव वॉलपेपर जो कि 12.5 के साथ प्रोवाइड किए गए हैं, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर अमेजिंग से टाइम के अनुसार चेंज होते रहते हैं। और साथ साथ यहाँ पे जो हमारा नोटपैड है इसके अंदर आपको माइंड मैप क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है और साथ साथ फोटोज वगैरह, पेंटिंग वगैरह करने का ऑप्शन मिलता है और इसका जो आइकन है ये भी चेंज हो चुका है। तो अच्छा खासा आप यहाँ पे टाइम पास और एंटरटेनमेंट वगैरह जो कर सकते हो जो कि 12.5 के साथ हमें मिलता है। साथ साथ वेदर के अंदर आपको जो कोई भी वेदर का जो डिटेल है उसे शेयर करके अपने फ्रेंड के साथ भेजने का परमिशन मिल जाता है इसके अंदर, जबकि ये पहले हमें नज़र नहीं आता था। आगे और बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बैटरी बार जो कि काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है और साथ साथ एक ही लुक में आपको नज़र आता है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, जहाँ पे ग्राफ मिल जाता है कौन सी एप्लीकेशन आपके फ़ोन की बैटरी को ड्रेन कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, बाकी क्या क्या चीज़ आपने यूज किया वो सब कुछ मिल जाएगा और बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिस्टम नेव बार के अलावा यहाँ पे क्लीनर का UI जो कि बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी कमाल के चेंज देखने को मिलते हैं, ये भी बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और इसका UI बिल्कुल ही इंप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे जब भी मैं इसे एडिट करता हूँ तो इसका यूजर इंटरफेस बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, जहाँ पे आपको ब्यूटीफाई मोड मिल जाता है और यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है स्काई का फिल्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा पहले लैग करता था इसे भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दिया गया है और इसका जो एनिमेशन है और अप्लाई स्टाइल है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है और काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करता है। तो आप किसी भी फिल्टर्स वगैरह को यूज कर सकते हो और आपको सिस्टम के अंदर जरा से भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हो चुकी है जो कि मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, जो कि हमें 12.5 के साथ प्रोवाइड किया गया था जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमारे इंडियन डिवाइसेज के अंदर, जिसमें अभी तक 12.5 देखने को नहीं मिला है। साथ साथ यहाँ पे वीडियो एडिटर भी दिया गया है जो कि पहले से और ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, तो इसके सारे फीचर्स भी आपको वर्किंग देखने को मिलते हैं जिसका आप फुल बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे आप देख पाओगे सिस्टम नेव बार कुछ इस तरीके से एनिमेशन करता है और साथ साथ यहाँ पे सुपर लाइव वॉलपेपर जिसका मैंने जिक्र किया है ये टाइम के अनुसार चेंज होता रहता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हो मैं अभी स्नो माउंटेन यूज कर रहा हूँ और ऐसा कुछ लाइट है, आप देख सकते हो अभी हैंड टू हैंड चेंज हुआ है, तो जब भी मौसम चेंज होता है, टाइमिंग चेंज होता है, उसके अनुसार इसका है जो लुक भी चेंज होता हुआ नजर आता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिस्टम टाइमिंग को एडिट करके अगर मैं नाइट से मॉर्निंग कर दूँ तो यहाँ पे आपको सनलाइट देखने को मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल चेकआउट कर लेते हैं, यहाँ पे PM है इसे AM कर लेते हैं, ओके। तो मॉर्निंग का 6:20 है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सनलाइट वगैरह। तो इस तरीके से टाइमिंग के अनुसार जितने भी सुपर लाइव वॉलपेपर हैं उनमें काफ़ी अच्छा खासा आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स जो कि मैं अभी फिलहाल यूज कर पा रहा हूँ अपने 12.0.1 के ऊपर जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और इसे आपको अगर यूज करना है तो उसके लिए बस छोटा सा कंडीशन होगा
दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि किसी किसी फ़ोन के अंदर चेंज दिखाई देता है और किसी किसी फ़ोन के अंदर वो चेंज नज़र नहीं आता है, वो है हमारे साउंड एंड वाइब्रेट से रिलेटेड। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं साउंड एंड रिंगटोन के ऊपर, तो आपको यहाँ पे नया लुक देखने को मिलेगा अगर आप 12.5 के फीचर्स को यूज करने वाले हो तो। और ये जो फीचर्स है ना, हर एक डिवाइस में सिमिलर देखने को नहीं मिलता है। आप देख सकते हो मेरे पास एक ओप्पो का X2 डिवाइस है जिस पे मैंने 12.5 को डाल रखा है, जिसके लिए मैंने फ़ोन को रूट वगैरह भी किया था, तब जाके मुझे देखने को मिला फीचर्स, बट यहाँ पे भी ओल्ड लुक आपको नज़र आता है। जबकि 12.5 का हाल ही में लेटेस्ट अपडेट आया है जिसमें ये फीचर्स प्रोवाइड किया गया है, जिसे मैं अभी फिलहाल 12.0.1 या 12.0.5 के ऊपर यूज कर पा रहा हूँ, जो कि आप भी यूज कर सकते हो। बस उसके लिए बस छोटा सा काम करना है, कुछ फाइलें मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है APK, जो कि सिस्टम का अपडेट फाइल है, उसे आपको डाउनलोड करना है, अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है 1x1 करके। आप देख सकते हो यहाँ पे है सुपर लाइव वॉलपेपर, गैलरी, सिस्टम लॉन्चर, सिक्योरिटी सेटिंग्स, और यहाँ पे वॉल्यूम स्लाइडर वगैरह और क्लीनर वगैरह, और यहाँ पे भी कई सारे एप्लीकेशन है जो कि MIUI 12.5 के है। इन सभी का लिंक मैंने दे दिया है अपने टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, जहाँ से आप 1x1 सभी को डाउनलोड करके अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। और विदाउट फ़ोन को रूट किए हुए, विदाउट रूटर अनलॉक किए हुए, विदाउट फ़ोन के साथ छेड़छाड़ किए हुए, आप अपने फ़ोन के अंदर कई सारे लेटेस्ट नए फीचर्स को यूज कर पाओगे, और इससे आपके फोन के अंदर कोई भी दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इन्हें यूज करना चाहते हो तो बस टेलीग्राम ज्वाइन होना है और सभी को डाउनलोड करना है। मे बी अगर आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है जो आपने इंस्टॉल किया है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर जो चेंज आपको देखने को मिला है वो पसंद नहीं आता है और उसे आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो, तो उसके लिए बस आपको सिक्योरिटी ऐप के ऊपर आना है, मैनेज ऐप पे जाना है। यहाँ पे आपको ट्रिपल डॉट दिखाई देगा जिस पे शो कर देना है ऑल सिस्टम एप्स, और यहाँ पे ब्राउज करना है कि क्या क्या आपने इंस्टॉल कर रखा है, और उसे आप सिंपली अनइंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि मेरा गैलरी है, अगर मैं यहाँ पे टैप कर दूँ अनइंस्टॉल अपडेट, तो जो गैलरी का लेटेस्ट फीचर्स है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, और जो हमारा ओल्ड बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है 12 के ऊपर वो गैलरी हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको सब कुछ ओल्ड टाइप का ही अब देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल एडिट करने पर लुक चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप लेटेस्ट फीचर्स को अपडेट कर सकते हो जो कि 12.5 का है, और पसंद नहीं आए या फिर कोई दिक्कत करता है आपके डिवाइस के अंदर, उसे आप 1x1 करके यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, और वापस आप डिफॉल्ट वाले फीचर्स पे आ सकते हो। तो आई होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसे अपडेट करके अपने फोन के अंदर काफी अमेजिंग सा चेंज है जो करने वाले हो। इसके लिए आपको रूट करने की जरूरत है और ना ही बूट रूटर अनलॉक करने की जरूरत है, बस आपको सिस्टम ऐप्स को अपडेट करना है, जिसकी वजह से आपको लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो दो मैंने शॉर्टकट क्रिएट कर रखे हैं, चलिए इसे देख लेते हैं कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है एक्टिविटी लॉन्चर, जिसे ओपन करते ही आपको क्या करना है, रिसेंट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको लॉन्ग प्रेस करके सेटिंग पे चले जाना है। यहाँ पे अदर परमिशन पे ये आप देख सकते हो होम स्क्रीन शॉर्टकट, इसे ये पहले से डिनाय रहेगा, इसे अलाउ कर देना है। अलाउ कर देने के बाद इस ऐप को दोबारा ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है वॉल्स, ठीक है। जैसे आप वॉल टाइप करोगे आपको ये देखने को मिलेगा, इसे टाइप करते ही यहाँ पे शॉर्टकट दिखाई देगा, इस पर लॉन्ग प्रेस करके शॉर्टकट क्रिएट कर देना है। सेकेंड आपको सर्च करना है सिस्टम, ठीक है। सिस्टम सर्च करते ही ये आपको देखने को मिलेगा सिस्टम लॉन्चर, इसके लास्ट वाले पे आना है, टाइप करके बाद चेक करना है कि जेस्चर नज़र आ रहा है या नहीं, ये नज़र आता है तो इस पर लॉन्ग प्रेस करके फिर से शॉर्टकट पे क्रिएट कर देंगे। अब आपको होम स्क्रीन पे इसके शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे, और उसके बाद आप डायरेक्टली वहाँ से एक्सेस कर पाओगे अपने सुपर लाइव वॉलपेपर को और सिस्टम नेव बार के लेटेस्ट जो UI है उसको। लेकिन ये जो सिस्टम लॉन्चर है ये सिर्फ और सिर्फ रेडमी और MI के डिवाइस पे काम करेगा, क्योंकि पोको के डिवाइस के अंदर पोको का लॉन्चर देखने को मिलता है, तो ये जो ऐप है ये आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा, तो इसके साथ आप छेड़छाड़ ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप इसे फोर्सफुली इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दिया है कि किस तरीके से आप इन एप्लीकेशन को फोर्सफुली अपने किसी भी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। और भाई इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जल्दी हम 50 के क्रॉस करने वाले हैं, बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।